गांधी जी का झारखंड की धरती पर स्वागत करने के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार जी का। परम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी, स्टीफन मरांडी जी, रामचंद्र सिंह जी, श्री आरपीएन सिंह जी, श्री उमंग सिंगार जी, श्री मनोलत सर जी और सम्मानित मंच, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमें गर्व है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार झारखंड आए और मोराबादी मैदान में एक ऐतिहासिक रैली को जो है संबोधित करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, झारखंड की धरती भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, नीलांबर पीताम्बर की धरती है, तिलका मांझी की धरती है, विनोद बिहारी महतो जी की धरती है, भूखन सिंह जी की धरती है, बुद्धू भगत जी जैसे ऐतिहासिक और शोषण के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्तियों की पवित्र जमीन है। झारखंड सिर्फ श्री रामदयाल मुंडा जी सिर्फ एक गायक नहीं लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता जो हमेशा जो है आदिवासी हक के लिए लड़े, महान हस्ती जैसे श्री जयपाल सिंह मुंडा, श्री कार्तिक उराव और अनेक लोग यहां से यहां के जनता को हमेशा दिशा दिखाया है। ये महेंद्र सिंह धोनी की धरती है, ये प्रेमनाथ अग्रवाल की धरती है, ये दीपिका कुमारी की धरती है और ये वरुण उराव की धरती है। परंतु सर, झारखंड रो रहा है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 40% आबादी झारखंड का गरीबी रेखा से नीचे है। झारखंड की जो शिक्षा दर है वो 30 प्रदेश में से 29वें पद पर है। कुपोषण में झारखंड के 60% बच्चे कुपोषित हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोशिश किया था कुछ समय पहले छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संताल पगड़ा टेनेंसी एक्ट को जो है बदलने की कोशिश की और हमें खुशी है सर कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी प्रभारी जी के नेतृत्व में हमने विधानसभा को घेरा उसी दिन जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उस अध्यादेश को वापस लेना पड़ा। अब जो यूपीए सरकार द्वारा ऐतिहासिक भूमि अधिग्रहण कानून को उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए यहां के बीजेपी सरकार ने संशोधन किया है, उसी का जीतता जागता उदाहरण गोड्डा में एक निजी कंपनी का जो है बिजली यंत्र जो है स्थापित करने के लिए 1280 हेक्टेयर ले लिया गया है यहां के किसान का। लगातार इस प्रदेश में किसान के ऊपर शोषण हो रहा है। यदि आप देखेंगे बड़का गांव का गोलीकांड, यदि आप देखेंगे गोला का गोलीकांड, यदि आप देखेंगे गोड्डा में जो मारपीट हुई थी पुलिस के द्वारा, तो झारखंड की जनता राहुल गांधी जी परेशान है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे जमीन लेकर के उद्योगपति को देना चाह रही है। हाल में एक कार्यक्रम हुआ था मोमेंटम झारखंड उद्योगपति लोग के लिए। आपको विश्वास नहीं होगा, इस देश के सबसे अमीर उद्योगपति झारखंड आए, लेकिन इस सरकार ने कम से कम 400 चार्टर फ्लाइट किए उद्योगपति को झारखंड लाने के लिए। तो पूरी तरह से सरकार सिर्फ बड़े बड़े लोग के लिए काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र में जो झारखंड की जो नौजवानों की जो आवाज है, जो सबसे बड़ी चिंता है वो है नौकरी। इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झारखंड में है।
सर कि ये लोग छुट्टी नौकरी का देते हैं इंजीनियर को, झारखंड के बच्चे को 7,000 रुपए बॉम्बे जाने के लिए, 9,000 रुपए जो है चेन्नई जाने के लिए, ऐसी जो है 11,000 रुपए दिल्ली के लिए। झारखंड के बच्चे लोग जो एमबीए पास किए हैं, यहां की वर्तमान सरकार ये जुमला जो है हमारे नौजवानों को देती रही है कि हम आपको नौकरी दे रहे हैं। हाल में हाल में प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम था, मेरा बूथ सबसे मजबूत, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और देश में मेरा झूठ सबसे मजबूत की स्थिति है सर, इनको कार्यक्रम करना चाहिए, मेरा झूठ सबसे मजबूत। 70% लोग जो है कुपोषण से, ये पहला प्रदेश है सर जहां पर इतने ज्यादा आबादी में भूखमरी से बच्चे लोगों को लोग मरे हैं, अधिकांश गरीब परिवार से। यह पहला प्रदेश है जो पिछले साल 800 बच्चे अस्पताल में मरे थे कुपोषण के चलते। यह पहला प्रदेश है जहां पर 11 लाख लोग का जो है राशन कार्ड को रद्द किया गया है। आप सब लोगों को नहीं मालूम होगा कि जब राहुल गांधी जी 2009 में उन्होंने एक चिट्ठी लिखा था, क्योंकि बिरसा मुंडा जी के समाधि, भगवान बिरसा मुंडा जी के समाधि को देखते हुए उन्होंने चिट्ठी लिखा था कि जो दयनीय स्थिति है उस समाधि का, उसको ठीक करने के लिए इन्होंने जो काम किया उसके चलते हुए इस सरकार, वर्तमान सरकार को थोड़ी सी शर्म आई और उसमें सुधार ले आए। आखिरी में सर, झारखंड की जनता आपके ये परिवर्तन उल गुलान रैली से एक बिजली चलेगी पूरे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता में। देश देख रहा है सर, झारखंड देख रहा है, देश आपकी नेतृत्व की जो तरफ देख रहा है सर। ये जुमलेबाज, ये गरीब को दबाने वाली सरकार, ये महिला को दबाने वाली सरकार, ये आदिवासी समाज को दबाने वाली सरकार, ये अनुसूचित जाति को दबाने वाली सरकार, इसके जो है खिलाफ आपके नेतृत्व में हम सब लड़ेंगे। आखिरी में यहां के जो 3-4 सबसे बड़े समस्या मैं आपको अवगत कराऊंगा। एक तो सर पैरा शिक्षक का है, यहां पर हाल में 9 पैरा शिक्षक की मौत हुई, 63,000 पैरा शिक्षक है, 10,000 रुपए पैरा शिक्षक को देते हैं और 20,000 रुपए दारू बेचने वाले को यह सरकार देती है। रसोईया की यह स्थिति है, आंगनवाड़ी कर्मचारी की यह स्थिति है, पुलिस को इन्होंने वादा किया था कि 13 महीने की तनख्वाह देंगे, 5 साल में इन्होंने नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है सर कि जिस तरह से आपने छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो वचन पत्र जो है के माध्यम से आपने गरीब लोग और इस देश के जनता के आम जनता को राहत पहुंचाया है, हम आप सब लोग आपके तरफ देख रहे हैं। हम पुनः जो है आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज आकर आपने हम लोग को इतना बड़ा सम्मान दिया। एक बार जोर से नारा लगाइए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 जय झारखंड, जय भारत।